हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। शेरू का मस्ती टाइम चल रहा है। मॉर्निंग टाइम है तो कुकिंग की तैयारी भी हो रही है। तो ये मेथी है जिसे मैंने रात में भिगो दिया था और इसका मैं हेयर पैक बनाने वाली हूँ। तो इस हेयर पैक की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसे मैंने लगा लिया है और 1 से 1.5 घंटे बाद इसे हम धो लेंगे। तब तक मैं अपने सुबह के और दूसरे काम भी निपटा लूँगी। तो मॉर्निंग की पूजा वगैरह हो गई है और मैंने पी ली 1 कप चाय। तो अब तैयारी करने वाले हैं सब्जी यानी कि लंच की। तो इसके पहले ब्रेकफास्ट सबका बन चुका है और अब मैं किचन की जितनी भी सब्जियां होती हैं जो मार्केट से आती हैं, तो उन सबको मैंने धो के पहले बास्केट में रख दिया ताकि पानी निकल जाए। और इस समय कोरोना टाइम है तो आप सब जानते हैं सब्जियाँ डेली धोनी रहती हैं। तो इस तरीके से सब्जियाँ सारी की सारी सूख गई हैं और अब मैंने इसे इसमें बास्केट में लगा दिया, क्योंकि गीली सब्जी लगाएंगे तो वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से मैं कुछ सब्जियों को इस तरीके से स्टोर कर देती हूँ और कुछ सब्जियों को मैं पॉलीथीन बैग में स्टोर करके रखती हूँ। इससे सब्जियां लंबे समय तक ताजी रहती हैं और आपकी सब्जियां खराब भी नहीं होती हैं। तो इन सब को करने के बाद मैं करूंगी लंच की तैयारी। तो आज हम बनाने वाले हैं लौकी की सब्जी। तो लौकी की सब्जी मैं सादी सब्जी नहीं बनाने वाली हूं, मैं आपको बता देती हूं कि मैं बनाने वाली हूं लौकी के कोफ्ते। तो इस बार लौकी के कोफ्ते काफ़ी डिमांड आ रही थी बच्चों की, काफ़ी दिनों से बने नहीं थे। तो इसके पहले भी मैंने शायद रेसिपी शेयर की, मुझे याद नहीं है, बट मैं दोबारा से इसको अगर शेयर कर रही हूँ, अगर मैंने नहीं की है पहले तो, अगर कर दी तो कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं। तो देखिए, मैंने लौकी को घिस लिया है और इसमें मैंने 3 से 4 स्पून बेसन डाल, यानी ग्राम फ्लोर डाल दिया। उसके बाद ऑयल को गर्म करने रख दिया है और इसे हम ज़्यादा फेटेंगे नहीं। और इसमें एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, जिससे कि आपकी जो कोफ्ते की पकौड़ियाँ हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी। तो लौकी घिसने के बाद जब आप उसमें बेसन डालते हैं तो बेसन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना डालें। देखिए, इतना बेसन डालें कि आपकी बस जो पकौड़ियाँ वो हाथ से आराम से बंध जाए। देखिए जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं, मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच ही बेसन डाला, बल्कि आपका जितने आसानी से बंध जाए पकौड़ियाँ आप उतना डालिए, ताकि जब आप पकौड़ियाँ बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी और बिल्कुल भी टाइट नहीं बनेंगी। इससे जो आपकी रेसिपी है वो बहुत ही अच्छी बन करके आएगी और सब आपकी तारीफ भी करेंगे। तो पकौड़ियों को मैंने डाल दिया है और इसे बहुत ज़्यादा तेज आंच पर आपको नहीं सेकना है। बीच में एक बार इसे उलट पुलट देंगे और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गई। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट बार की पकौड़ियाँ भी हम बना करके निकाल लेंगे। और ये तैयारी कर ली है मैंने ग्रेवी की। तो मैंने पीस लिया है प्याज और एक तरफ मैंने रख दिया है तेल गर्म करने। तो ये देखिए, मैंने अरन की कढ़ाई का यूज़ किया है। तो मैंने प्याज लहसुन में क्या डाला मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें डाला है प्याज, 4-5 लहसुन, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। तो जब तक हमारा प्याज भूनता है तब तक हम तैयार कर लेते हैं मसाले। तो मसाले तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने डाली है 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी हरी मिर्च डाली है तो 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्च को डाला है। उसके बाद थोड़ा सा हमने इसको पानी डाल दिया है और मसाले को भीगने के लिए छोड़ दिया है। अब हम देख लेते हैं अपने प्याज को। तो देखिए, प्याज भी भुन चुका है। तो जो हमने मसाले भिगो करके रखे थे अब हम इसमें डाल देंगे। मसाले भिगोने का बेनिफिट ये होगा कि आपकी ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा है और ग्रेवी आपकी गाढ़ी रहेगी। उसके बाद मैंने ली है 2 से 3 चम्मच ताजी मलाई। आप सबके घर में दूध आता है तो मलाई अवेलेबल ही होती है, आप क्रीम की जगह पर मलाई का यूज कर सकते हैं, वही मैंने किया है।
तो मलाई को मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। तो देखिए ग्रेवी का कलर भी चेंज हो गया, इससे आपकी जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी और आपके कोफ्ते आज के बहुत ही ज़्यादा लजीज बन जाएंगे। तो इसे भी हम 2 मिनट तक भूंजेंगे और जो मलाई है वो अपना ऑलरेडी ऑयल छोड़ेगी। तो देखिए मलाई ने ऑयल छोड़ दिया, तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हम इसमें इतना डाल देंगे कि जिससे कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो आराम से इसमें भीग जाएं और हमारी ग्रेवी जो है वो कम भी ना हो। तो इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है नमक और अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट में खौल आ गया और मैंने गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया। 5 मिनट और इसको हम खौलाएंगे, उसके बाद जो हमने कोफ्ते तैयार किए हैं उन्हें हम इसमें डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद हम इसमें 5 मिनट और रुकेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। तो कोफ्तों को इस तरीके से थोड़ा सा दाब देंगे ताकि ग्रेवी उनके अंदर चली जाए। 2 से 3 मिनट बाद हमने इसमें डाल दिया है गरम मसाला। अब हम इसे इसी तरीके से बिल्कुल स्लो आंच पर 5 मिनट के लिए और रखा रहने देंगे, यानी गैस पर ही रहने देंगे और ये बिल्कुल ग्रेवी बन करके रेडी हो जाएगी। तो देखा ना आपने कितनी सरल और सिंपल सी सब्जी है जिसे बनाने में कोई झंझट भी नहीं है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर के एरिया में, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने कैमरे को अपने दोबारा से ऑन किया है। ये कांच की बोतल में मैंने लगाई है मनी प्लांट, तो ये मनी प्लांट मैं आपको दिखाना चाहती थी। देखिए अभी इसकी जो बेल है उसमें एक ही पत्ता है, बाकी सब गल गई है। इसमें नेक्स्ट मैं दूसरी लगाने वाली हूँ, बट इसके पहले मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए प्लांट के अंदर पूरा ऊपर तक पानी भरा है और इसमें अंदर देखिए आप प्लांट ग्रो कर रहा है, यानी पत्तियां पानी के अंदर कितनी सुरक्षित और खूबसूरत लग रही हैं। और इसी तरीके से देखिए कि ये प्लास्टिक की बोतल है, अक्सर आपके घर में सिरप आता है उसकी बोतल है, उसमें भी देखिए पत्तियां तरीके से ग्रो कर रही हैं, पानी के अंदर ही हैं और ये ग्रो कर रही हैं। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर के एरिए में और ये मैंने धूप से बचने के लिए कुछ कर्टेंस लगा दिए, क्योंकि गर्मी बहुत है तो बहुत ज़्यादा तपन हो जाती है, तो मैंने ये कर्टेंस लगा दिए हैं ताकि जो है गर्म हवा अंदर नहीं आए। और आज मैंने लॉन्ड्री भी की थी तो काफ़ी सारे कपड़े आपको बाहर फैले हुए दिख रहे हैं। और ये ड्राई हो चुके हैं तो थोड़ी देर बाद मैं इन्हें अंदर ले जाऊँगी। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको अपने बाहर का एरिया, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए मेरा बाहर का एरिया, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ मेरी खड़ी होती हैं और ये साइड में कुछ पौधे लगे हैं। तो अभी सोच रहे हैं कि कुछ गमले ले आएँ और पौधे शिफ्ट कर लें, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है तो पौधों की शिफ्टिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए ये एक इलायची का पौधा लगाया हुआ है, तो जिसे मेरे बेटे ने देखिए जुगाड़ करके रखा हुआ, मुझे पता नहीं था कि मतलब उसको थोड़ी छांव चाहिए, तो अब उसे छांव देने के लिए उसने देखिए एक टब को लगा दिया और साथ में लगा दिया एक बैम्बू। तो अब मैं इसे यहाँ पर नहीं लगाने दूँ क्योंकि इसकी पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो इसे हम गमले में शिफ्ट करके छांव में रख लेंगे, तो जिससे ये अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि इलायची के पौधे को आपको छांव देनी है। तो ये देखिए कुछ पौधे यहाँ पर भी रख के, उसी इलायची के पौधे से मैंने 2 पौधे निकाल करके इसमें लगा दिए हैं और ये देखिए ये भी आराम से धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये छांव में रखे हैं। और ये मैंने एलोवेरा को भी रख दिया। उसके बाद देखिए शेरू और मंकी का क्या ड्रामा चल रहा है। वो मार नहीं पा रहा, मतलब मार दे बस है। शेरू तुमने पूरी दीवार गंदी कर दी। हाँ और ये मंकी काफ़ी देर से शेरू को मारने की कोशिश कर रहा था और एक ऊपर मंकी बड़ा बैठा हुआ, जब ये नहीं मार पाया तो थक हार के दोबारा कोशिश की और ये थोड़ी देर बाद ये चला गया है। और इसने काफ़ी परेशान किया शेरू को और शेरू भी उसके साथ बहुत मस्ती करते रहे और खेलते रहे। आखिर वो चला गया और अब शेरू उसको ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो कहाँ चला, क्योंकि आगे पड़ी हुई है टीन तो उसको दिख नहीं रहा कि वो कहाँ चला गया, तो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक DIY। तो ये DIY बना हुआ एक पुराने
टॉप से। तो ये हैं बैंड सर में लगाने वाले, और जिसे मैंने बनाया है पुरानी टी शर्ट, यानी मेरी बेटी का जो टॉप था उससे मैंने ये दो बैंड बनाए हैं। इसका वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूँगी, बट ये वाला नहीं, नेक्स्ट वीडियो, ये मैंने पहले बना करके रखे हैं आप जो आपसे शेयर किए हैं। नेक्स्ट जो मैं आपसे बनाऊँगी वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अच्छी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, और राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा वेट कीजिए। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।